गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कैंटिलीवर बीम के न्यूमेरिकल्स देखे थे, हम इस वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम पे हम CFO बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे। सो लर्निंग आउटकम, यू विल लर्न टू कैलकुलेट CFOs एंड बेंडिंग मोमेंट एंड एबल टू ड्रॉ द डायग्राम। कोर्स आउटकम अचीव, इंटरप्रेट द CFOs एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ बीम एंड लोडिंग कंडीशन। प्रोग्राम आउटकम PO 1 2 3 4 8 9 10 एंड PSO 1। इन द लास्ट लेक्चर अगेन बीम्स एंड इट्स टाइप्स हमने देखे हैं, लोड इट्स टाइप देखे हैं, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं, उसके डायग्राम देखे हैं, असाइनमेंट आपने सॉल्व करी है, कैंटिलीवर बीम पे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं। सो उसी तरह सिंपली सपोर्टेड बीम का भी प्रैक्टिस आपको करना है। तो दिस इज अवर न्यू टाइप। अभी तक हमने कैंटिलीवर बीम का देखे थे प्रॉब्लम, अब हम सिंपली सपोर्टेड बीम का देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम में बोथ एंड क्या है, फ्री रहते हैं और उसमें एक सिंपल एक बीम रेस्ट करता है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी रहेंगी, सबसे पहले स्टेप हमारी रहेंगी टू फाइंड, सेम प्रोसीजर हमारी सेम चलेंगी, बस इसमें माइनर चेंजेस है। टू फाइंड रिएक्शंस एट आर ए एंड आर बी, मतलब एट ए एंड बी। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, समीशन ऑफ FY इज इक्वल्स टू जीरो, नीचे से ऊपर पॉजिटिव, ऊपर से नीचे नेगेटिव। डायग्राम में ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये नीचे से लग रहा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव आर ए, -40 -40 -40 प्लस आर बी। अभी तक क्या होता था, ये एंड फ्री रहता था, इसमें सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं लगता था, इसलिए हम आर बी नहीं लेते थे। अब हम आर बी लेंगे क्योंकि दोनों जगह सपोर्ट है। इज इक्वल्स टू जीरो, देन आर ए -120 प्लस आर बी इज इक्वल्स टू जीरो, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू 120, फिनिश। देन सेकेंड स्टेप करेंगे हमारी, शियर फोर्स कैलकुलेशन, शियर फोर्स कैलकुलेशन। फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूं आपकी कन्वीनियंट के लिए। 40 40 40, 1 1 1.5 1.5, ए बी सी डी एंड ई, देन आर ए एंड आर बी हो गई। ये एक इक्वेशन मिल गया हमको, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग एक चीज कैलकुलेट नहीं करते थे, क्या, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू जीरो। हम यहां क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। हमको ये जितने भी लोड है 40 40 40 के और ये सपोर्ट, सबको ए पे लेके आना है। अब आप ध्यान रखें, जैसे हमने मैकेनिक्स में किए थे, समीशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू जीरो, 40 × 1 40 × 1 देन प्लस 40 × 2 प्लस 40 × 3.5 माइनस RB × 5 इज इक्वल्स टू जीरो। साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, नीचे से ऊपर नेगेटिव। देन हमको इससे RB की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 40 प्लस 80 प्लस 40 × 3.5 माइनस RB × 5 इज इक्वल्स टू जीरो। इससे हमको RB कितना मिला, 52 किलो न्यूटन। हम ये RB ये इक्वेशन में पुट अप करेंगे और क्या निकालेंगे, RA की वैल्यू, दैट इज RA इज इक्वल्स टू 68 किलो न्यूटन, ठीक है। देन अब हमारा सेकंड स्टेप करेंगे शियर फोर्स कैलकुलेशन। तो सबसे पहले शियर फोर्स एट बी इज इक्वल्स टू, बी पे सपोर्ट कितने का, आर बी 52 का, आर ए कितना है 68 का।
नीचे से ऊपर लग रहा है, नीचे से ऊपर माइनस और ऊपर से नीचे पॉजिटिव। आरबी शियर फोर्स एट बी, आरबी इज इक्वल्स टू माइनस 52 न्यूटन। शियर फोर्स एट बी लेफ्ट इज इक्वल्स टू, बी के लेफ्ट में उतना ही लोड आ रहा है, माइनस 52 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट ई राइट इक्वल्स टू अगेन माइनस 52 किलो न्यूटन। बी लेफ्ट और ई राइट सेम रहेगा। शियर फोर्स एट ई लेफ्ट इज, अब ई के लेफ्ट में आप खड़े हो, ई का खुद का भी लोड ऐड करना पड़ेगा, माइनस 52 प्लस 40 दैट इज माइनस 12 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट डी राइट, ई लेफ्ट और डी राइट सेम रहेगा। शियर फोर्स एट डी लेफ्ट माइनस 12 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 28 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट सी राइट, डी लेफ्ट और सी राइट सेम होगा, 28 किलो न्यूटन। शियर फोर्स एट सी लेफ्ट 28 प्लस 40 68 किलो न्यूटन, एंड दैट इज सेम शियर फोर्स एट ए इज इक्वल्स टू 68 किलो न्यूटन दैट इज राइट। ये हमारा हुआ डायग्राम। एक बार फिर से देखिए, शियर फोर्स एट बी माइनस 52, बी लेफ्ट माइनस 52, ई राइट दोनों सेम, ई लेफ्ट डी राइट और ई लेफ्ट सेम होगा, सी राइट सी लेफ्ट ए। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस हमको ये फाइंड आउट करना है। इसमें बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी जो दोनों एंड रहेंगे विल बी जीरो, बोथ द एंड पे क्या होगा जीरो। अब बेंडिंग मोमेंट अब क्या निकालना बाकी है, ई डी एंड सी। बेंडिंग मोमेंट एट ई इज इक्वल्स टू 52 इंटू 1.5। देखो ये तुम्हारा डायग्राम है, तीन लोड है 40 40 40, 1 1 1.5 1.5 बी ए। ई पे ये बी को पहुंचना है 52 इंटू 1.5, क्योंकि ऊपर से नीचे पॉजिटिव रहता है, नीचे से ऊपर क्या रहेगा इनकी इसमें पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे निगेटिव। नीचे से ऊपर पॉजिटिव है 52 इंटू 1.5 दैट इज 78। बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल्स टू, ये 52 को डी तक पहुंचने के लिए 3 मीटर चलना पड़ेगा, 52 इंटू 3, फिर ये भी लोड आएगा माइनस 40 इंटू 1.5 दैट इज 96 किलो न्यूटन इंटू मीटर। बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल्स टू, ये 52 को सी पे पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलना है, माइनस ये 40 को 2.5 चलना है, माइनस ये 40 को 1 चलना है, 68 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एंड शियर फोर्स एट बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू जीरो, बोथ द फ्री एंड पे क्या होगा जीरो, यहां पे और यहां पे जीरो। अब हमको बनाना है ये सब देखते हुए डायग्राम। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। शियर फोर्स एट बी माइनस 52, शियर फोर्स एट बी लेफ्ट माइनस 52, ई राइट माइनस 52, ई लेफ्ट माइनस 12, डी राइट माइनस 12, डी लेफ्ट प्लस 28, सी राइट प्लस 28, सी लेफ्ट प्लस 68 एंड ए, ये होगा तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बी विल बी जीरो जीरो। बेंडिंग मोमेंट एट ई प्लस 78,
ऊपर जाएगा, बेंडिंग मोमेंट है डी 96 और ऊपर जाएगा, सी 68 थोड़ा नीचे आएगा, एन ए विल बी इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दैट्स ऑल। ये न्यूमेरिकल को बार बार पॉज करके देखिए, ये मस्ट क्वेश्चन है जो एमएसबीटी में पूछता ही है। थैंक यू। फिर जैसे आपने अभी सिंपली सपोर्टेड बीम पे न्यूमेरिकल देखे, आप ट्राई करिए सॉल्व करने की। हम इसके बाद देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्लेक्चर, और एक टर्म्स आता है ओवरहैंगिंग बीम पे कैसे न्यूमेरिकल हमको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपका एक पोर्शन हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।